तो आज की हमारी इस क्लास में हम बातचीत करेंगे आपके साथ फॉर्मेटिंग ट्रिक्स के बारे में कि किस तरह से हम जो है फॉर्मेटिंग अप्लाई करते हैं। देखिए, अब फॉर्मेटिंग में मैं ऐसा नहीं हूं कि आपको मैं बताऊंगा कैसे बोल्ड करते हैं, कैसे कलर अप्लाई करते हैं, कैसे मर्ज करते हैं। ये तो बेसिक चीजें हैं, आपको पहले से पता हो। इसमें जो हम आपको बताएंगे वो ये बताएंगे कि किस तरीके से हम एक ट्रिक्स अप्लाई कर सकते हैं। कभी कभी हमें एक विजुलाइजेशन क्रिएट करनी पड़ती है, तो उसमें हमें कैसे कैसे हेल्प करेगा। चलिए आज हम इसी क्लास में आपके साथ बातचीत करते हैं। तो आपके सामने यहाँ पे एक छोटा सा डेटा हम क्रिएट करेंगे, लेकिन छोटे डेटा की जरूरत नहीं है। हम सबसे पहले बात कर रहे हैं सुपर स्क्रिप्ट की। जैसे कि आप एमएस वर्ड में 10th लिखेंगे, एमएस वर्ड में खोल ही लेता हूँ, एमएस वर्ड में मैं 10th लिख के स्पेस मारूंगा तो TH ऊपर चला जाएगा, लगेगा TH ऊपर। और ऐसे ही आप W2ND करें तो ND ऊपर चला जाएगा, RD करें तो RD ऊपर चला जा रहा है। पर एक्सेल में ऐसा नहीं होता है। जैसे मैं 10th में TH कर दिया तो ये ऊपर नहीं गया, इसको लाना पड़ता है। कैसे? आप टाइप करने के बाद डबल क्लिक करो, जिस लेटर को आपको सुपरस्क्रिप्ट करना है उस लेटर को सिलेक्ट करो, और यहाँ आपके सामने फॉन्ट के अंदर जो फॉन्ट पे जाते हैं तो यहाँ होता है आपका सुपरस्क्रिप्ट। इस सुपरस्क्रिप्ट पे क्लिक करके ओके कीजिएगा तो देखिए TH हमारा ऊपर चला गया। ठीक है, उसी तरह से मान लीजिए मुझे अगर 10 स्क्वायर करने हैं, सॉरी 10 डिग्री करने हैं, तो मैं 10 और स्मॉल ओ लिखूंगा, फिर से स्मॉल ओ को सिलेक्ट करूंगा और सुपर स्क्रिप्ट करूंगा तो ये ऊपर चला जाएगा। लेकिन सिलेक्ट करना पड़ेगा क्योंकि हमने सिलेक्ट नहीं किया था, डबल क्लिक करके इसको सिलेक्ट करना पड़ेगा, फॉर्मेट सेल और यहाँ पे सुपर स्क्रिप्ट एंड ओके। ठीक है, क्लियर है सर? जी सर। ये आपको करना पड़ेगा। अब प्रॉब्लम ये है कि मेरे पास ऐसे कुछ नंबर्स हैं, ठीक है, और मुझे इन नंबर्स पे मुझे डिग्री अप्लाई करना। अब ये 1000 भी हो सकते हैं, ठीक है, कैसे करें? क्योंकि अब इसमें प्रॉब्लम ये है कि मुझे एक एक करके जाके वो को इस तरह से यहाँ पे कंबाइन करना, पहले जानना। अब प्रॉब्लम है कि अब राइट क्लिक इस पर सिलेक्ट करके अगर डायरेक्ट बिना बिना ओ को सिलेक्ट किए सेल को सिलेक्ट करके अगर आप सुपर स्क्रिप्ट कर देते हैं तो ये पूरा का पूरा सेल को ऊपर कर देता है। लेकिन हमें तो एक करेक्टर को करना है। अब यही प्रॉब्लम आ जाती है, यहीं पे प्रॉब्लम आ जाती है, एक एक को ओपन करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। अब यहीं पे हम एक विजुलाइजेशन क्रिएट करते हैं। ठीक है, यहीं पे हम विजुलाइजेशन क्रिएट करते हैं कि हम यहाँ पे इसके बगल वाले सेल में ओ को लिखते हैं और इस ओ को नीचे की तरफ ड्रैग कर देते हैं। राइट क्लिक, फॉर्मेट सेल, और इसको कर देते हैं सुपर स्क्रिप्ट। उसके बाद इस कॉलम को कर देते हैं छोटा और डेटा को सिलेक्ट कर लेते हैं,
राइट क्लिक, फॉर्मेट सेल में जाते हैं बॉर्डर। बॉर्डर में हम चारों तरफ का बॉर्डर लेते हैं, बीच का बॉर्डर लेते हैं, ये जो बॉर्डर है सॉरी ए वाली जो बॉर्डर होती है ना, ए वाली, इसको नहीं लेंगे। देन ओके, और इसकी जो बैकग्राउंड कलर है उसको मैं व्हाइट कर दूंगा, सॉरी ठीक है, समझे? आया समझ में सर आपको? जी सर, कुछ डाउट इसमें? नहीं, नो सर। आपको सर तो बेसिकली हम इस तरह की विजुलाइजेशन की तो क्रिएट कर रहे हैं ना क्या? अब इसमें आगे बढ़ते हैं। इसी में जैसे मान लीजिए कि मुझे 10 स्क्वायर लिखना है, तो 102 लिखेंगे, और इस 2 को हम डबल क्लिक किए, इस 2 को सिलेक्ट करते हैं राइट क्लिक फॉर्मेट सेल पे, और इस सुपर स्क्रिप्ट को सिलेक्ट करके अभी दिख रहा है, लेकिन जैसे एंटर प्रेस करूंगा नहीं दिखे, क्योंकि सुपर स्क्रिप्ट और सब स्क्रिप्ट जो है वो वर्क किस पे करता है, कि आपका वर्क करता है टेक्स्ट पे। तो 102 आप लिखें, डबल क्लिक करें, 2 को सिलेक्ट करें, राइट क्लिक फॉर्मेट सेल, और यहाँ सुपर स्क्रिप्ट को क्लिक करके ओके कर दें। अब देखिए 10 स्क्वायर आपका आ गया। आ गया सर? ये सुजी जी, दोबारा बताना एक बार, स्क्रीन चला गया था मेरा। हमने बताया आपको कि अगर आप 10 स्क्वायर लिखते हैं नंबर फॉर्मेट में और फिर सुपर स्क्रिप्ट कर देते हैं, तो क्या होगा कि 10 स्क्वायर आपको कब तक दिखेगा? जब तक कि आप एंटर प्रेस करके बाहर नहीं आते, बाहर आते ही आपका नॉर्मल हो जाएगा, क्योंकि सुपर स्क्रिप्ट और सब स्क्रिप्ट आपके नंबर पे यूज होते हैं। ठीक है, ठीक है समझ में जी, आया सर? आ गया आ गया। तो आपको सिंगल कोट लगा के इसको नंबर में कन्वर्ट करना होगा, फिर इसको सेलेक्ट कीजिए राइट क्लिक फॉर्मेट सेल, और इसको सुपर स्किप कर दीजिए, सुपर स्किप्ड, देन ओके। हो गया आप 10 स्क्वायर? क्लियर है? यस। अब जैसे कि मान लीजिए कि हम इंटरनेट से या कहीं जगह, कहीं किसी जगह से, जैसे मान लीजिए यहीं पे हमने इसको उठाया, ठीक है, अब इसको एक सेल में कैसे डालो? तो पहले मुझे इसको मर्ज कर लेते हैं, सिलेक्ट करके एक संभावित एरिया को मर्ज कर लेते हैं, फिर डबल क्लिक करके इसके ऊपर आप पेस्ट कर देते। अब पेस्ट करने के बाद यहाँ रैप है ही, थोड़ा साइज कम करेंगे तो आपका आ जाएगा, यहाँ पे कॉलम को थोड़ा सा, रो को बड़ा करेंगे तो आपका मोस्टली इसमें आ जाएगा। ठीक है, आ गया। अब मान लीजिए इसमें जो मैक लिखा हुआ है वो गलत है, मुझे बताना है कि मैक जो है गलत है, तो हम डबल क्लिक करेंगे, इस मैक को सिलेक्ट करेंगे, राइट क्लिक फॉर्मेट सेल पे जाएंगे, और यहीं पे स्ट्राइक थ्रू दिख रहा है आपको, स्ट्राइक थ्रू, और इसकी जो कलर है वो ले लेंगे रेड। हमें स्ट्राइक थ्रू कर दिए और कलर क्या कर दिए, रेड कर दिए, देन ओके। अब देखिए यहाँ पे मैक आपका कटा हुआ आ गया। हो गया, जी सर। समझे? जी अब प्रॉब्लम होती है क्या, ये चीजें इस तरह के नंबर पे भी एप्लीकेबल होगी। जैसे हम मान लीजिए कि कुछ नंबर हम यहाँ पे टाइप कर लेते हैं, ऊपर टाइप है ना, नहीं नीचे कर लेते, चाहिए अलग रखें, सही रहेगा आपका। हम यहाँ पे कुछ नंबर्स टाइप कर देते हैं। अब मुझे इसमें से जो
जो नंबर गलत है वो मुझे आपको प्रेजेंट करना है। तो क्या इस पे हम सुपर स्क्रिप्ट वाला ऑप्शन अप्लाएंगे तो स्काइप थ्रू वाला तो वर्क नहीं करेगा ना। तो बेसिकली ये वर्क कैसा करेगा, कुछ इस तरह का अगर होगा यहां से यहां तक इस तरह से तब वर्क करेगा ना क्या? तो इसके लिए हम इसको सिलेक्ट करते हैं, राइट क्लिक, फॉर्मेट सेल, इसमें बॉर्डर पे आते हैं और यहां कलर रेड लेते हैं और हम इसको सिलेक्ट करते हैं और इसको सिलेक्ट करते हैं, कर दिए। और फिर इसको हम ओके करते हैं, फिर कहीं और क्लिक करके जैसे F4 प्रेस करेंगे, दिख रहा है आपको F4? F4 हो गया, समझ गए जी सर। और सही का निशान लगाना हो तो क्या करेंगे, फॉर्मेट सेल में अब यहां से कलर भी चूज कर लेते, ग्रीन सेलेक्ट किए इसको और ए ले लिया और इसको ले। लेकिन ध्यान रखिएगा ये सिर्फ विजुअल है, मतलब कि प्रिंट आउट के लिए और आपको दिखाने के लिए विजुलाइज करने के लिए जरूरत पड़ता है। आप चाहेंगे कि मैं फिल्टर लगा लूं कि जितने भी मेरे ये हैं क्रॉस वाले हैं वो अलग हो जाए, या कोई कंडीशन लगा देती हो मुझे जितने भी क्रॉस वाले उसको टोटल करना है, तो ये चीजें नहीं होगी क्योंकि फॉर्मूला कभी भी फॉर्मेटिंग को रीड नहीं करता है, फॉर्मूला कभी भी फॉर्मेटिंग को रीड नहीं करता है। तो इस केस में हम क्या करेंगे, यहाँ पे पी टाइप करेंगे, क्या टाइप करेंगे पी, और इस पी के ऊपर हम एक फॉन्ट होता है बाइंडिंग टू का, लास्ट में आएंगे बाइंडिंग टू या बाइंडिंग थ्री, तो बाइंडिंग टू का फॉन्ट होता है वो हमने अप्लाई कर दिया, कर लिया सर। ये कौन सा फॉर्मेट था एक बार दिखाना दोबारा, हमने ये देखे ना बाइंडिंग टू दिख रहा है। तो बाइंडिंग टू में क्या होता है कि जो पी होता है उसको इस एक्चुअल में होता तो पी है बट शो कुछ इस तरह से करता है, और यहाँ पे हम क्रॉस ओ करते हैं, क्रॉस के लिए हम कैपिटल में ओ लिखेंगे तो एक क्रॉस आ जाता है, ठीक है। और बेसिकली एक करेक्टर है तो हम आसानी से इसको फिल्टर लगा सकते हैं, फिल्टर लगा लिए। अब देखिए फिल्टर में आपको यहाँ पे ओ और पी आ जाए, अब सिर्फ क्रॉस वाला चाहिए तो ओ को सिलेक्ट कर लीजिए, पी चाहिए तो इसको सिलेक्ट कर लीजिए, ठीक है। समझ आएगा आपको सर। अब क्वेश्चन यहाँ पे आता है कि हमने इसके लिए तो क्या यूज किया, हमने यूज किया फॉन्ट को। अब फॉन्ट जो होता है वो एक्सेल का पार्ट नहीं होता है, फॉन्ट होता है विंडोज का पार्ट। अगर किसी विंडो के अंदर में अगर ये नहीं हुआ तब क्या होगा, क्योंकि हो सकता है कि उस वर्जन में फॉन्ट अवेलेबल ना हो या फॉन्ट अनइंस्टॉल कर दिया गया हो या क्रैप्ट हो गया हो, बहुत सारी चीजें हो सकती है ना, क्या सर? तो इस केस में हम एक तरीका और अपना सकते हैं कि मैं यहाँ कैप्स में जे को रखूंगा और यहाँ अलाइनमेंट में जे को -45 degree पे हम क्या करेंगे, रोटेट कर देंगे, -45 degree पे रोटेट कर देंगे। अब देखिए हो गया, अब क्वेश्चन आता है कि क्या इस रोटेशन का यही यूज है या कुछ और यूज भी है। चलिए एक और एग्जांपल हम देते हैं इसका। तो मैं एक छोटा सा डेटा बना रहा हूं, मान लीजिए अटेंडेंस का ही डेटा छोटा सा बना रहा हूं। तो मैंने यहाँ पे मंथ ले लिया कि मंथ जो है हमारा अप्रैल है,
और यहाँ पे सीरियल नंबर, नेम और यहाँ पे डेट डाल देता हूँ, और डेट को हम फॉर्मेट दे देते हैं अपना ये फॉर्मेट। इस डेट को ड्रैग कर देते हैं, ठीक है। अब प्रॉब्लम है कि इसको हम जब प्रिंट करते हैं तो प्रिंट एक पेज पे नहीं आ रहा है। चलिए प्रिंट की सेटिंग करते हैं। सबसे पहले तो इसकी जो मार्जिन है उसको नैरो कर देते हैं ताकि मार्जिन बढ़ जाएगा। फिर हम क्या करते हैं, जो पोर्ट्रेट है उसको हम लैंडस्केप कर देते हैं। लेटर से मैं A4 साइज का कर देता हूँ। फिर भी आप देख पा रहे हैं A5 हो गया, A4 करना है। फिर भी आप देख रहे हैं, सबसे पहले तो ये आपका है नेम प्रिंट नहीं हो रहा, हैश हैश आ रहा है। तो इसके लिए हम इसको पकड़ के इसकी साइज को थोड़ा सा कम कर देते हैं। अब प्रिंट कीजिए, ये आपका आ रहा है। फिर भी आपका ये एक पेज पे प्रिंट नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है ना सर, तीन पेज पे आ रहा है। अब प्रॉब्लम ये है कि छोटा कितना करो, पढ़ना भी तो चाहिए। ऐसा हो कि इतना इतना छोटा कर दो कि पढ़ने वालों को लेंस की जरूरत पड़ जाए क्या? तो यहां पे हम क्या कर रहे हैं कि हमने देखा कि मेरा डेटा बहुत छोटा है, डेटा कोई बड़ा नहीं है, डेटा हमारा छोटा है, बट हमारा जो हेडिंग है ना वो बड़ा है। तो हमने क्या किया, हेडिंग को सिलेक्ट किया और यहां यहीं पे आपको अलाइन यहां पे आता है, इसी में हम जाएंगे। और यहीं पे हम रोटेशन जो है हमारा ये कर देंगे आप। अब पूरे सीट को सिलेक्ट करते हैं और डबल क्लिक करके इसको हम कर देते हैं ऑटोफिट। हमने क्या कर दिया, ऑटोफिट कर दिया। ऑटो फिट होते ही छोटा हो गया, इसको एक पेज पे प्रिंट हो सकता है और हम डेट को भी पढ़ सकते हैं और हमारा जो डेटा है ना उसको भी आसानी से पढ़ा जा सकता है। ठीक है सर, समझ गए? तो ये फॉर्मेटिंग ट्रिक्स थी। चलिए इसके आगे और भी छोटे छोटे फॉर्मेटिंग है उसके बारे में बात कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि मैंने अपना नाम लिखा सुजीत कुमार, तो आप देख रहे कुमार बाहर जा रहा है, तो हम लोग क्या कर देते हैं, रैप कर देते हैं, रो बड़ा हो जाता है। अब रैप तो अपने हिसाब से होता है, मैं चाहता हूं कि मेरे हिसाब से हो, तो आप टाइप करते समय ऑल्ट एंटर, ऑल्ट के साथ एंटर प्रेस करेंगे तो नीचे आ जाएगा, ऑल्ट के साथ एंटर। आ गया सर, 1 2 3 8 5 2 2 3 2 1 आ गया, समझे? यस सर। और दूसरा होता है कि हम ना रो बड़ा करना चाहते हैं ना कॉलम बड़ा करना चाहते हैं, मेरा जो टेक्स्ट की साइज है, मेरा जितना सेल साइज है उसमें ऑटोमेटिकली फिट हो जाए, तो उस केस में हम अलाइनमेंट के अंदर ही श्रिंक टू फिट होता है। क्या होता है, श्रिंक टू फिट, उसको करते हैं तो श्रिंक होके उतना एरिया में फिट हो जाता है। उसके बाद मान लीजिए कि मैंने एक यहीं पे हेडिंग बनाई है, यहाँ पे डीएस हमने डेली सेल्स रिपोर्ट, अब ये रिपोर्ट यहाँ दिख रहा है, मैं चाहता हूँ कि यहाँ एग्जैक्ट यहाँ यहाँ पे दिखे,
तो आप बोलोगे सर मर्ज करके लिख दू, लेकिन नहीं नहीं मैं यहाँ पे लिंक हो चुका है पहले से, फॉर्मूला लग चुका है, तो यहाँ आपके सामने इंडेंड आता है। तो इंडेंड की मदद से जहां आप उसको पैलेस करना चाहो आप पैलेस कर सकते हैं। अब इसका यूज क्या है, चलिए इसका एक और अच्छा सा यूज बता देते हैं आपको। जैसे मान लीजिए कि मैं एक फॉर्म बना रहा हूं, मैंने यहां पे लिख दिया डेटा एंट्री फॉर्म, बड़ा कर देता हूं, और इसको पूरे एरिया को सिलेक्ट कर लेता हूँ और यहां से इसकी कलर कर देता हूँ ब्लू, ये व्हाइट है कलर हमारा, बोल्ड है, साइज बड़ा कर देता हूँ। अब मैं यहाँ पे क्या किया, नेम के लिए हमने यहाँ पे इसको बड़ा कर देता हूँ, इसको बड़ा कर देते हैं, और इसकी जो बैकग्राउंड कलर है कर दी मैंने व्हाइट, और इसकी जो फॉन्ट कलर है हमारा वो फॉन्ट कलर, इसमें सॉरी बॉर्डर जो है, बॉर्डर को मैंने यहां से कलर ले लिया हल्का सा ग्रे और मोटा बॉर्डर, और एक चारों तरफ से मैंने ले लिया, तो ऐसे अब थोड़ा सा अच्छा दिख रहा है ना क्या सर। अब इसी को कॉपी करके नीचे भी डाल देता हूँ, तो इसको बड़ा कर देता हूँ। अब इसमें जैसे मैं आईडी है और यहाँ पे पासवर्ड है, तो आप बोलेंगे सर यहाँ पे हम आईडी लिख देते, यहाँ पे पासवर्ड लिख देते, क्या ये होगा सर? हेलो यस सर। देखिए क्या है कि जब हम ऑनलाइन फॉर्म वगैरह भरते हैं तो वहां पे एक चीज देखते हैं, जैसे यहाँ दिख रहा है सर्च टू चैट, न्यू चैट दिख रहा है, जब क्लिक करेंगे तो गायब हो जाएगा, हो गया गायब, बाहर निकलेगा वापस आ जाएगा, क्लिक करूंगा बाइब हो जाएगा, बाहर निकलूंगा वापस आ गया। तो मैं सिर्फ चाहता हूं कि जो आईडी है ना वो यहाँ दिखे, समझे, टाइप करूं तो आ जाए और फिर नहीं तो वापस आईडी दिखते है। तो जैसे एक प्रॉब्लम हो गया, मैंने आईडी यहाँ पे लिख दिया, अब मैं इसको डिलीट करता हूँ तो डिलीट हो जा रहा है ना क्या सर? तो डिलीट नहीं होना चाहिए, ब्लैंक, अगर सेल ब्लैंक है तो आईडी दिखना चाहिए, या कोई डेटा फिल कर दिया तो वो डेटा दिखना चाहिए। तो यहीं पे हम इंडेंट का यूज करते हैं, हम इसको थोड़ा सा मिडल कर लेते हैं और इसकी कलर थोड़ा सा ग्रे कर देते हैं, ग्रे मतलब हल्का सा ताकि डल दिखे, और यहां से देखिए समझ गए, सेम फॉर्मेट हो गया। अब इसको हम यहाँ कलर कर देते हैं बोल्ड, और यहाँ कर देते हैं बोल्ड, और यहाँ भी हम कर देते हैं बोल्ड, और जैसे मैं यहाँ पे लिखूंगा आईडी 12375, आईडी दिख रही है क्या सर? और पासवर्ड हम कुछ भी डालेंगे तो पासवर्ड, और इसको डिलीट करेंगे तो पासवर्ड आ गया ऑटोमेटिक, आ गया, इसको यूज किया आईडी आ गया, आ गया सर। तो हम इसका यूज इंडेंट का यूज यहाँ पे करते हैं। बाकी तो आपका मर्ज है, मर्ज कर सकते हो, या आपका मर्ज एक क्रॉस है, एक एक करके मर्ज होगा, ठीक है। उसके अलावा ये नंबर का फॉर्मेट है, तो नंबर फॉर्मेट थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, तो मैं कोशिश करूंगा कि ये हम कल करें तो बेटर रहेगा, क्या बोल रहे हैं सर? ठीक है, तो अभी जो चीजें मैंने बताई उसकी अच्छे से आप प्रैक्टिस कर ले, हालांकि इसकी रिकॉर्डिंग मैं थोड़ी देर में भेज देता हूँ आपको, इसकी